और इसको जैक उक लगाना पड़ेगा तब जा करके निकलेगा। वहीं से बैक नहीं हो रहा था क्योंकि ये मुरा जाता है, घूम जाता है ना चक्कर। यहाँ से लीकेज कर रहा है पाइप। सब्जी भी बनके फाइनली तैयार हो गया हुआ है। और चलिए दोस्तों खाना खा लिया जाए। और पानी का थोड़ा दिक्कत है, पानी है नहीं, सिर्फ पीने के लिए पानी बचा हुआ है। अब जोर लगा रहा है, देखिए निकल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके दुआ से हम भी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का 7 बज गया हुआ है, अभी थोड़ा देर पहले सो कर उठे हैं और फ्रेश व्रेश भी हो लिए है, तो अभी चलते उधर चाय पीने के लिए। हम और भैया साथ में है और अपना गाड़ी कल तक का ही वैलेटी में है, 21 तारीख का वैलेटी में है। देखिए आज लगता है कि नहीं लगता है, अगर आज नहीं लगेगा तो कल हर हाल में लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो फिर बाहर करना पड़ जाएगा अपना गाड़ी के। तो चलिए ठीक है, पहले चाय पी करके आते हैं हम और भैया साथ में। 21 तारीख का लास्ट वैलेटी है, देखिए अगर कल तक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर भी निकलना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि आज से कल तक लोड हो जाएगा। चलिए देखा जाए, फिर छठ पूजा भी नजदीक आ रहा है, हम लोग का छोटू क्या करेगा, छठ पूजा भी नजदीक आ गया। हम लोग सोचे थे कि 2 चक्कर कम से कम लग जाएगा तो ठीक रहेगा, पूजा में खर्चा भी तो है। चलिए ठीक है, आते हैं चाय पी करके पहले। ठीक है सर, चलिए दोस्तों पहले सब्जी ले लेते हैं, उसके बाद चाय पिया जाएगा ना छोटू। हाँ। तो देख सकते इधर साइकिल पर बेच रहा है, कल भी यहीं से लिए थे। तो चलिए देखिए, दो लवरिया लोग धरते सब एक ही रंग है, कैसे है? 20 रुपये का मुट्ठा। ये अलग है, ये अलग है, मुरई का क्वालिटी अलग है। नहीं ये सही है, चलो रखो। मुरई एक ही जमीन का है, एक ही जगह का। आज यही बनेगा हम लोग का मुरई और आलू फेंट दिया जाएगा ना छोटू। हाँ। सब्जी और भात। 50 क्विंटल माल कितना? और दोस्तों हमारा लोडिंग का प्रोग्राम हो गया है, तो चलिए अभी चलते हैं, लोडिंग लगाते हैं गाड़ी को और अभी चलते हैं आगे में लगाना है। अभी मुंशी बोला था कि गाड़ी लेकर के आइए और लगा दीजिए, तो चलिए निकालते हैं। और दोस्तों अभी आ गए हैं डिपो में, यहाँ पे अभी गाड़ी लगाने का बहुत दिक्कत है, इसलिए अपना गाड़ी सामने पीछे में खड़ा रखे हैं। और ये देख सकते हैं ये गाड़ी भी बैक नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसी कारण से हम पीछे रखे हैं। और छोटू गया है मुंशी से पूछने के लिए कि कहाँ लगेगा, नहीं तो लेकर के आ जाएंगे, इधर उधर फंस जाएगा, चक्कर राउंड करने लग जाएगा, इसी में रह जाएंगे 1-2 घंटा इसी में परेशान होना पड़ेगा। इसलिए पहले जगह का पता कर लेते हैं कहाँ पे लगाना होगा, तब जा करके गाड़ी लेकर के आएंगे। जो देख सकते हैं दोस्तों ये गाड़ी फंस गया है और यहाँ पे सभी जगह है चक्का राउंड करेगा, एक बैक नहीं होगा यहाँ पे, देख सकते हैं पूरा एकदम डोजरिंग किया हुआ है, इसी कारण से दिक्कत हो रहा है। अब इसको जैक उक लगाना पड़ेगा तब जा करके निकलेगा। जा 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 जा, अरे और धस रहा है, रुको 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 रुको, जा पीछे जाता, जा 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 जा, बस बस। अरे तो बहुत दिक्कत हो रहा है। और देखिए अभी यहीं पे लोडिंग लगाएंगे, फुल लोड हो जाएगा तब यहाँ से निकल जाएगा गाड़ी, इसमें पूरा माल लोड नहीं है, इस कारण से चक्कर राउंड कर रहा है और ज्यादा। और दोस्तों अभी पूछे हैं तो बोला है कि गाड़ी को घुमा करके लाइए, कि इधर से ले जाइएगा फंस जाएगा, गाड़ी को घुमा करके ले आइए और लगा दीजिए, उधर से घुमा करके ले आएंगे तो आसान है थोड़ा लगाने का। चलिए अभी घुमा करके ले चलते हैं, आइए गए हैं, छोटू अपना गाड़ी में बैठा हुआ है। दोस्तों अभी गाड़ी तो लेकर के आ गए हैं लेकिन इधर लिफ्ट नहीं उठ रहा है, अपना स्विच भी देने पर, कहाँ से हवा लीकेज कर रहा है, वहाँ से। अच्छा अभी गाड़ी लगाते हैं उसके बाद देखते हैं। और दोस्तों गाड़ी तो लगा दिए हैं पॉइंट पर और यहाँ पे है कि थोड़ा मोरा माल है तो यहीं पर जो भी है लोड होगा, और लिफ्ट नहीं उठ रहा है, बहुत बड़ा दिक्कत है और ऐसा जगह में खास करके बहुत ज्यादा दिक्कत है, देख सकते हैं वहीं से बैक नहीं हो रहा था क्योंकि ये मुरा जाता है, घूम जाता है ना चक्कर, यहाँ से लीकेज कर रहा है पाइप। चलिए अभी मिस्त्री को भी देखते हैं, ना होगा तो बुला लिया जाएगा और करा लिया जाएगा काम भी। और दोस्तों हमारा पीछे देख रहे हैं वो गाड़ी भाई, बहुत परेशान है वहाँ पे निकालने के लिए, जक लगाया अंदर से, देखिए जक लगाने पर होता है कि क्या। और लोडिंग भी अभी शुरू हो गया है, लेकिन लोड हो जाएगा तो निकल जाएगा, लेकिन अभी जक लगा रहे हैं ये लोग, कोशिश कर रहे हैं कि अपना व्यवस्था बना करके रहे। चलिए देखिए, तो दोस्तों हम खाना बनाने का भी शुरू कर दिए हुए है और गाड़ी भी अपना लोडिंग में लग गया हुआ है और लोड भी हो रहा है। इधर देख सकते हैं आलू और मूली काट के रखे हुए हैं, लहसुन प्याज छील लिए हैं, ये मूली का पत्ता है इसको भी अब काट लेते हैं। चलिए ठीक है, बनाने का शुरू करते हैं और सब्जी और चावल बनाते हैं। और उसको सब्जी में डाल देगा? हाँ इसको सब्जी में डालेंगे, एक नंबर।
चावल तो अपना बना लिए हुए है और अब सब्जी बनाने का शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं प्याज लहसुन मिर्चा डालते हैं, इसमें तेल भी गर्म हो गया था। चलिए इसको पहले भूनते हैं। और इधर काट के रखे हुए है आलू है और मूली है, और इधर देख सकते हैं मूली के पत्ता भी कटिंग करके रखे हुए है। और दोस्तों अभी लेबर लोग भी आया था बोलने के लिए कि भैया अभी माल तो खत्म हो गया है कि जाते हैं अभी खाना उना खा करके आते हैं, माल अगर रेजिंग आएगा तो फिर आएंगे। तो जब तक हम लोग इधर खाना बन रहा है, तो पटरा उटरा जो बनाया था चढ़ने के लिए वो भी चढ़ा दिया है डाला में। चलिए अब क्या करें, माल है ये नहीं है तो क्या करेगा लेबर लोग भी। तो ठीक है चलिए इधर हम लोग का खाना भी जब तक बन जाएगा हम लोग खाना खाइए लेंगे जब तक। दोस्तों देख सकते हैं आलू भी भुना गया हुआ है, आलू और मूली भी भुना गया हुआ है। तो चलिए ठीक है, इसमें मसाला डालते हैं और मसाला के इधर घोल बना के रखे हुए है, मसाला इसमें अब छोड़ देते हैं। और गाड़ी यहाँ पर रोड पर लगा हुआ है, मतलब ये रास्ता है, तो गाड़ी को अभी साइड करते हैं आगे चल करके। देखिए अभी अपना गाड़ी तो यहाँ पे ला करके लगा दिए हैं और ये गाड़ी तो फंस गया है, लेकिन आधा से ज्यादा माल लोड हो गया है। अभी कोशिश कर रहे हैं, देखिए अभी निकल जाए तो बढ़िया है। ये चक्का एकदम दब गया है, देख सकते हैं एकदम कोयला है, और कोयला जो है कि नया भरान है, इस कारण से राउंड कर जा रहा है। चलिए कोशिश कीजिए। बस 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 नहीं होगा, अब कोई उपाय नहीं है। जब तक मशीन नहीं आएगा, पिलोडर नहीं आएगा, जब तक धक्का नहीं देगा, जब तक निकलेगा नहीं। जक भी लगा करके भाई देख लिए, लेकिन कोई उपाय नहीं है। अब मशीन मंगाइए, पिलोडर जरा सा सहारा देगा, बस निकल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं सब्जी भी बन के फाइनली तैयार हो गया हुआ है। चलिए अब सब्जी को उतारते हैं। और दोस्तों हम लोग का खाना पीना बन करके रेडी हो गया है। अभी छोटू देख सकते हैं मिर्चा पका रहा है, सब्जी चावल तो बढ़िया गया है और मिर्चा पका करके बस खाना निकाला जाए, खाना खाया जाए, भूख भी लग गया है। ये देखिए हम लोग का खाना निकल करके रेडी हो गया है, और मूली और प्याज और मिर्चा जबरदस्त। चलिए फिर खाया जाए। और चलिए दोस्तों खाना खा लिया जाए। और इधर जो खा रहे हैं पैर पूरा कोयला से गंदा हो गया है, और पानी का थोड़ा दिक्कत है, पानी है नहीं, सिर्फ पीने के लिए पानी बचा हुआ है, तो इधर ही खाना पड़ रहा है। छोटू तो उतना पैर नहीं है, छोटू का गंदा इसलिए अपना बैठा हुआ है, हमारा पैर गंदा है। हम नीचे थोड़ा गए थे, उधर भाई का भी गाड़ी फंसा हुआ है, वो भी देखने के लिए। वो भाई का भी गाड़ी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा भी गाड़ी फंस जाएगा, इसलिए मान लीजिए कि अगर उसमें हम लोग साइड से सटा करके अगर बत्ता लगा करके ठेलेंगे तो कोशिश करेंगे तो हो सकता है, लेकिन हमारा गाड़ी फंसने का 100% चांस है, इसलिए नहीं कोशिश कर रहे हैं। उसको मशीन लाना ही पड़ेगा तब जा करके होगा। चक्का धस गया, क्राउन भी सट गया हुआ है नीचे में। क्राउन भी सट गया। चलिए तो खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी लगभग 5 टन के लगभग लोडिंग हुआ है, और लेबर लोग भी चला गया है, और इधर डाला लगा दिया है, देख सकते हैं। और इधर माल उल गिरेगा तब जा करके होगा, नया रेजिंग है नहीं। और देखिए ये भाई का एक गाड़ी फंसा हुआ है, देख सकते हैं, और ये गाड़ी तो पहले से ये फंसा हुआ है, लेकिन ये दूसरा गाड़ी इधर फंस गया। यहाँ पे आगे पीछे करने का जगह है नहीं है। हो कैसे फंस गया है बताइए, फंसने के बाद ड्राइवर लोग को कितना परेशानी होता है, परेशानी हालत खराब हो जाता है। तो तब बताइए हम लोग का परेशानी, देखिए फंसने के बाद पता चल रहा है कि कितना परेशानी होता है। और किसी का भी गाड़ी यहाँ पे फंस सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे जगह ऐसा है, नया भरान है और कोयला कोयला है खाली, और वो भी नया भरान है इसलिए। चलिए भाई उपाय लगा रहे हैं, देखिए डोजर क्या बोला है, डोजर नहीं आएगा, नहीं आएगा। दोस्तों देख सकते हैं पेलोडर आ गया है ये गाड़ी को धक्का देने के लिए, देख सकते हैं अब जोर लगा रहा है, देखिए निकल जाएगा, ये देखिए निकल गया। तो गाड़ी तो निकल गया, और अभी देख सकते हैं अभी माल गिरा है, अभी समय हो गया है, 5 बज गया है शाम का, लेकिन समय नहीं है, कांटा नहीं हो पाएगा। तो चलिए जो होगा से लोड हो जाएगा, कल फिर कांटा हो जाएगा। और देख रहे हैं कि वो गाड़ी भी फंसा हुआ है और लोड भी हो रहा है उसी जगह पे। दोस्तों अभी अपना गाड़ी तो लोड हो गया है, लेकिन ये रास्ता पर एक गाड़ी फंस गया है। अभी अपना लोड पूरा नहीं हुआ है, जो होना था हो गया है, देख सकते हैं ये रास्ता पर ही फंस गया है, तो निकलेगा कैसे, अपना गाड़ी सामने में है वहाँ पे। अभी देखिए उधर जुगाड़ लगा रहा है, छोटू भी जा रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बार बार गाड़ी सब फंस जा रहा है।
देखिए उधर से काम कर रहे हैं ये लोग निकालने का। और दोस्तों अभी 6 बज गया है और वो गाड़ी अभी तक हटा नहीं है। कोशिश कर रहे हैं भाई हटाने का, लेकिन हटा नहीं है। जब तक वो हटेगा नहीं, जब तक अपना गाड़ी आएगा नहीं। तो अभी छोटू बोल रहा है कि भैया हम यहीं पर रह जाते हैं, हम चलते हैं डेरा पर, वहीं पे हमारा खाना पीना होगा और छोटू का यहीं पे होगा ना छोटू? हाँ, हम यहीं पे बना लेंगे कुछ। तो ठीक है चलिए, अब वो तो गाड़ी कोशिश कर रहा है भाई ऐसे हटाने का, लेकिन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देखा जाएगा क्या करना है। और ये देखिए हमारे प्रकाश भाई, इन्हीं के साथ चलते हैं। गाड़ी वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। हाँ वहाँ भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जान के फंस गया, फंस गया। हाँ ये जान बूझ करके कीजिएगा, चलना है ना। चलो आते हैं थोड़ा हम नीचे से। अच्छा अच्छा, हम फोन करेंगे। ठीक है, नहीं तो कल जैसा भाग मत जाइए। नहीं नहीं ठीक है, यहीं रहिएगा ना। हाँ यहीं पर है, उसको थोड़ा डायरेक्शन दे दीजिए। ठीक है ठीक है, जाते हम भी थोड़ा देख लेते हैं, भाई को थोड़ा मदद कर देते हैं। अरे बाप, नहीं होगा, स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है, दूसरा पत्ता डालना पड़ेगा। ये स्लिप कर रहा है, प्लेन पत्थर है ना। हल्का सा तो हिला है, ये गाड़ी निकलने का चीज है नहीं। और मेजर साहब लोग बोल रहे हैं कि हमको भी निकालने के लिए, घुमाने के लिए, लेकिन घुमाएंगे तो सकता है कि फंस सकता है। और मेजर साहब कह रहे हैं कि हमारा ड्यूटी है, लेकिन चलिए अब क्या किया जाए, देखते हैं। अगर निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने देंगे वहीं पर। नहीं होने वाला है। और दोस्तों अभी रात का 10 बज गया है और हम पहुंच चुके हैं डेरा पर। हमको अब पहुंचा हुआ तो काफी देर हो गया है और छोटू अपना गाड़ी में ही है और चलते अभी खाना खाने के लिए। चलिए खाना खाते हैं, देखते हैं क्या चीज बना हुआ है। तो चाची बनाई हुई है खाना, तो देखते हैं क्या चीज। और इधर राहुल क्या कर रहा है, सलाद काट रहा है। और दोस्तों फाइनली हमारा खाना निकल चुका है, तो अभी देख सकते हैं इधर गोभी और आलू का सब्जी है और इधर सलाद है, रोटी है। और इधर छोटू हमको याद आ रहा है, रोहित है। तो रोहित चलिए खाना खाया जाए फिर। सब्जी तो बहुत ही अच्छा, और खाना खा करके यही रह जाएंगे आज रोहित छोड़ने नहीं जाएगा, सुबह सुबह चले जाएंगे। तो कल अपना गाड़ी कांटा भी हो जाएगा। चलिए खाना खाया जाए फिर। तो चलिए दोस्तों अब खाना पीना हो गया है, अब आराम करते हैं। 10:30 बज गया है रात का, और मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।